अस्सलाम वालेकुम। आज का जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है डाइजेस्टिव सिस्टम। और ये टॉपिक एक स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट किया था कि काइंडली सर इस टॉपिक पे वीडियो बना दें, और इसीलिए वो वीडियो बन रही है। अगर आपका भी कोई टॉपिक है तो इस व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग भी मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो आपका भी कोई फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री, मतलब MBBS का या FSC का या 9th 10th का कोई भी टॉपिक है तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपके लिए भी वो टॉपिक अपलोड हो जाएगी। तो डाइजेस्टिव सिस्टम, इसकी फिजियोलॉजी, इसकी एनाटॉमी और इसका मतलब इसके सारे फंक्शंस जो कि FSC में है या फिर 9th 10th में है या फिर BS नर्सिंग में है या फिर जो है कोई भी टॉपिक जूलॉजी का या फिर ठीक है MBBS का, सारा डाइजेस्टिव सिस्टम ओवरऑल इसको देखेंगे। उसके बाद आपको किताब खोलने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, इसको सिंपल वे से करेंगे। सबसे पहले हम फूड खाते हैं, ठीक है? क्यों खाते हैं? ताकि हमें एनर्जी मिले। हम क्या करते हैं, ठीक है? फूड खाते हैं तो किस वजह से? ताकि हमें एनर्जी मिले, ठीक है? इसीलिए हम खाना खाते हैं, एनर्जी मिले। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी डाइजेस्टिव सिस्टम की? एक ऐसा सिस्टम है जिसमें फूड हम खाते हैं, वो फूड टूट जाता है छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स में और वो दोबारा बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है। वो फूड न्यूट्रिएंट, मतलब वो फूड या न्यूट्रिएंट उसमें क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट, अमीनो एसिड्स, ठीक है, फैट्स और विटामिन्स। तो इसकी डेफिनेशन यही बनती है। तो इसमें लिखूंगा, इट इज़ अ प्रोसेस इन विच, ठीक है, फूड इज ब्रेक डाउन इंटू स्मॉल पार्टिकल्स, ठीक है, फूड इज ब्रेक डाउन इंटू स्मॉल पार्टिकल्स विच गेट एब्जॉर्ब्ड बाय बॉडी, ठीक है। लेकिन वो फूड में है क्या क्या? उसमें अमाइनो एसिड्स हैं, ठीक है, उसमें फैट्स हैं, प्लस क्या है, विटामिन्स हैं, और यहाँ पर इसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं, ठीक है। तो ये फूड्स होते हैं हमारे पास जो कि हम खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, अमाइनो एसिड, फैट्स एंड विटामिन्स। ये हम खाते हैं, ये बॉडी में जाते हैं तो यूटिलाइज होते हैं, ब्लड में आते हैं एब्जॉर्ब होके, फिर उससे हमें क्या मिलता है? एनर्जी मिलता है। अब ये तो हमें पता चला कि डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब यही है, ठीक है। लेकिन फूड जो है ना, फूड फूड ब्रेक डाउन तो होता है, ठीक है, फूड जो है ये ब्रेक डाउन तो होता है, लेकिन ये दो तरह से ब्रेक डाउन होता है। या तो ये केमिकली ब्रेक डाउन होगा या फिर ये क्या होगा, मैकेनिकली ब्रेक डाउन होगा। ये क्या है? मैकेनिकल ब्रेक डाउन, ठीक है, एक मैकेनिकल ब्रेक डाउन है, एक है केमिकल। केमिकल ब्रेक डाउन है या फिर ये मैकेनिकल ब्रेक डाउन है। अब जो ये मैकेनिकल ब्रेक डाउन है ना, मैकेनिकल ब्रेक डाउन का मतलब क्या है? मिसाल के तौर पर मस्टिकेशन, ठीक है, मस्टिकेशन यानी दांतों से एक चीज़ को तोड़ देना, ठीक है। जब हम खाना खाते हैं, फूड खाते हैं तो क्या करते हैं, ये हमने एग्जांपल कोई भी रोटी या बिस्किट या कोई भी चीज़ खाना जो है हमने खा लिया, उसके बाद दांतों से इसको हम क्या करते हैं, छोटे छोटे पीसेस में तोड़ देते हैं। तो इस तरह की कंडीशन को तोड़ने को मैकेनिकल या फिर मैस्टिकेशन ब्रेक डाउन कहते हैं, ठीक है। और केमिकल ब्रेकडाउन में क्या होता है? केमिकल ब्रेकडाउन में फूड को तोड़ा जाता है बाय इंजाइम्स, ठीक है, फूड को तोड़ा जाता है बाय इंजाइम्स। अब इंजाइम क्या होता है? इंजाइम को समझने के लिए आप ये समझ लें कि इंजाइम को समझने के लिए सबसे पहले आपको कैटालिस्ट का पता होना चाहिए कि कैटालिस्ट क्या है, फिर इंजाइम को समझेंगे। कैटालिस्ट एक ऐसी चीज़ है, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन आप किसी डब्बे में या किसी चीज़ में कर रहे हो, ठीक है, तो उसमें एक कैटालिस्ट डाला जाता है। ये कैटालिस्ट क्या करता है? इस केमिकल के रिएक्शन को तेज़ करेगा,
बहुत तेज़ करेगा ताकि रिएक्शन जल्दी हो जाए, लेकिन जब रिएक्शन ख़त्म होगा तो ये कैटलिस्ट खुद बाहर आ जाएगा, ठीक है, यूटिलाइज नहीं होगा। ये समझ लें कि ये कैटलिस्ट जो है एक मुनाफिक शख्स की तरह काम करता है। दो शख्स को लड़ाता है आपस में, यानी रिएक्शन करवाता है, बाद में खुद निकल जाता है, पता ही नहीं चलता कि इस ये इंटर भी था या नहीं था। तो ये एक मुनाफिक शख्स की तरह होता है, ठीक है। एंड द एंड क्या होता है, रिएक्शन के बाद खुद को निकाल देता है वहाँ से। अब इंजाइम क्या होता है, इंजाइम को बोलते हैं इट इज़ अ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, ठीक है, विच स्पीड अप द केमिकल रिएक्शन, विच स्पीड अप द केमिकल रिएक्शन, ठीक है, विदाउट बीइंग कंज्यूम्ड, विदाउट बीइंग कंज्यूम्ड। यानी कैटलिस्ट यानी इंजाइम वो चीज़ होता है, जब एक बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है जो कि केमिकल रिएक्शन को, यानी जो बॉडी में फूड टूट रहा है उसको जल्दी स्पीड अप करता है कि जल्दी टूट जाए, ठीक है, टूट जाता है और लास्ट में खुद बच जाता है। एग्जाम्पल ये हमारे पास क्या है, एक फूड है, ठीक है, ये हमारे पास एक फूड है जो कि बॉडी में आ चुका है, इस पर इंजाइम एक्ट करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं इंजाइम, इस पे इंजाइम एक्ट कर लेते हैं, चारों तरफ से इसको पकड़ लेते हैं, ठीक है। इंजाइम्स पकड़ने के बाद क्या होगा, ये टूट जाएगा, ये जो ब्लूश मैंने बनाया हुआ था ऊपर, ये टूट जाएगा छोटे छोटे पार्टिकल्स में। बाद में क्या होगा कि ये इंजाइम्स जहाँ आए थे ये दोबारा वापस चले जाएंगे अपने एरिया में, और उसी तरह चले जाएंगे जिस तरह आए थे। ये हमारे पास होता है इंजाइम, कि इंजाइम किस तरह काम करते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे कि इंजाइम के बाद आपको ये भी बता दूं, जब फूड माउथ में आता है तो किन किन प्रोसेस से गुजरता है, फिर बाद में इसकी एक डायग्राम भी बनाएंगे। सबसे पहले सॉरी, सबसे पहले क्या होगा कि फूड जो है, फूड प्रेजेंट है बाहर, ठीक है, ये फूड सबसे पहले माउथ में जाएगा, ठीक है, तो उसको बोल देंगे इंजेशन, ठीक है, इंजेशन, यानी फूड हमने क्या किया, माउथ के अंदर ले लिया, यानी माउथ के अंदर हमने डाल दिया। इंजेशन के बाद क्या होगा, इंजेशन के बाद होगा प्रोपल्जन, ठीक है, क्या होगा, प्रोपल्जन। प्रोपल्जन का मतलब है फूड जो है वो स्लाइवा मुंह में, जब मतलब जैसे हमने माउथ में लिया फूड, तो वो स्लाइवा के साथ मिक्स होगा, ठीक है, स्लाइवा के साथ मिक्स होगा तो क्या होगा, फूड एक बोलस बन जाएगा, ठीक है, उसी एक स्लाइवा स्लाइवेशन होगी फूड के ऊपर, तो क्या होगा, बोलस बन कहते हैं उसको। उसके बाद क्या होगा, डाइजेशन होगा, डाइजेशन का मतलब कुछ कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन माउथ में ही होती है, उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है, डाइजेशन होगा। डाइजेशन के बाद क्या होगा कि यही फूड डाइजेशन कुछ माउथ में होगा, कुछ स्टमक में जाकर होगा, कुछ फिर स्मॉल इंटेस्टाइन वगैरह वगैरह में, ठीक है, वो फिर हम डिस्कस करेंगे इसी में। डाइजेशन के बाद ये फाइनली स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर एब्जॉर्ब होगा, ठीक है, एब्जॉर्प्शन होगी। एब्जॉर्प्शन के बाद कुछ ये एब्जॉर्प्शन के ब्लड के साथ मिक्स हो जाएगा, और जो बचेगा यानी जो सॉलिड मटेरियल जो कि ऑब्जर्व नहीं हुआ, वो फिर क्या होगा, बॉडी से फीसिस के फॉर्म में एलिमिनेशन एलिमिनेशन हो जाएगा, ठीक है, एलिमिनेट हो जाएगा, बॉडी से निकल जाएगा। ये तो हमने सिंपल वे में समझा कि ये क्या होता है डाइजेस्टिव सिस्टम और किस तरह होता है। अब इसका एक प्रॉपर डायग्राम देखेंगे, फिर हम डिस्कस करेंगे कि स्टमक क्या है, ठीक है, और किस तरह इसकी हम ओवरऑल इसको देख सकते हैं। ये हमारा पार्ट वन है ताकि वीडियो लेंथी ना हो। पार्ट टू में हम देखेंगे कि हमने जो है डायग्राम बनाएंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम क्या है और स्टमक का फंक्शन क्या है, किस तरह काम करता है, कैसे ये बॉडी को आगे जो है फूड की डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है। तो ये था हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट वन। तो अभी इसके बाद इस अपलोड होगा पार्ट टू।